वीडियो एडिटिंग के लिए एक लैपटॉप खरीदना चाहें तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। दोस्तों, अक्सर हम लैपटॉप खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हमें लैपटॉप खरीदने समय क्या क्या देखना होता है उसमें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो, खास करके अगर वीडियो एडिटिंग के लिए, तो आपके लिए बेस्ट लैपटॉप कब क्या होगी, कौन सी होगी और उसमें क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में। दोस्तों, लैपटॉप अगर आप सबसे बेस लाइन में खरीदना चाहो तो वो 4 GB की रैम होनी चाहिए ही चाहिए, और अगर प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल के कोर i5 फिफ्थ जनरेशन या फिर 7th जनरेशन की प्रोसेसर होनी चाहिए। तो ये जो सारे पैकेज है लैपटॉप की, ये आपको 30-32 हज़ार पे मार्केट में मिल जाएंगी, और अगर ऑनलाइन ख़रीदते हो तो ये उससे सस्ती भी पड़ सकती है, 2-3 हज़ार रुपये, ठीक है। और अगर मैं कंपनी की बात करूँ लैपटॉप की, तो आपको बेस्ट डेल की और HP की मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। अगर आप थोड़ी और हाईफाई लैपटॉप लेना चाहते हैं थोड़े नेक्स्ट जनरेशन के लिए, या फिर थोड़ी और जैसे कि अगर कोडिंग आप करना चाहो तो आपको एक लैपटॉप में 8 GB रैम तक की रैम चाहिए होती है। तो उन सभी चीज़ों के लिए अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास 6 GB मैक्सिमम होगी, 6 GB रैम, 1 TB इंटरनल स्टोरेज, और इंटेल की ये प्रोसेसर आप ले सकते हो। इंटेल कोर i5 मत लेना, कोर i8 या i9 ले लेना, और वो भी 7th, 8th, 9th जनरेशन वाली। तो अगर वीडियो एडिटिंग आपको सबसे बेस्ट करनी है, उसके लिए सबसे बेस्ट लैपटॉप तो मैकबुक होगा, क्योंकि मैकबुक में जो फाइनल कट प्रो जो सॉफ्टवेयर होती है वीडियो एडिटिंग के लिए, वो सबसे बेस्ट, मैं बोलता हूँ कि बेस्ट है वो एडिटिंग के लिए। विंडोज में मैंने आपको बता दिया, बेस में आप 4 GB वाली ले सकते हो, थोड़ी हाई में जाओगे तो आप 6 GB रैम वाली ले सकते हो एंड 1 TB स्टोरेज, एंड अगर उससे भी हायर जाना चाहते हो तो 8 GB रैम एंड 1 TB स्टोरेज एंड मैक्सिमम स्टोरेज ऑल्सो भी अवेलेबल है। सो दोस्तों, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन 4 GB रैम से कम का मत ही लेना, क्योंकि वो कोई काम का नहीं आएगा। वीडियो एडिटिंग के लिए भी एक हार्ड, एक बहुत ही एफिशिएंट होनी चाहिए आपके लैपटॉप, क्योंकि ये भी एक हार्ड प्रोसेसर यूज़ करता है। दोस्तों, मेरे जो लैपटॉप है HP की, इसमें 4 GB की रैम है एंड 1 TB 1 TB की रोम है इंटरनल स्टोरेज, और इसकी जो प्रोसेसर है वो इंटेल कोर i5 फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। इसमें मैं कभी कभार वीडियो एडिटिंग करता हूँ, वैसे हमेशा नहीं करता, हमेशा मैंने बोला था कि मैं काइनमास्टर से करता हूँ हर वीडियो को, क्योंकि मोबाइल में एक्चुअली एड जो आती है वो काइनमास्टर की वो बहुत कम आती है, और इसमें जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक बहुत बड़ी ऐड आती है, सो दैट मैं लैपटॉप को यूज़ नहीं करता। दोस्तों, आप लोगों को मैंने अपने लैपटॉप के बारे में बता दिया, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप HP या डेल का ही लो, दूसरे कोई कंपनी में मत जाना, क्योंकि ये बेस्ट परफॉर्मेंस देती है विंडोज़ में। विंडोज़ में काफ़ी बार आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश करने की चांसेस होती है, जैसे कि मेरे लैपटॉप में भी होती है, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे मतलब लैपटॉप्स में जो विंडोज़ की होती है उसमें क्रैश होती है। लेकिन दोस्तों, जो मैकबुक है उसमें कभी भी क्रैश का प्रॉब्लम नहीं आता है, तो ये मैकबुक की खासियत है। तो अगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आप 50,000 का, जो 50 से 60,000 के बीच में जो मैकबुक आती है एप्पल की, बहुत ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज तो नहीं होता, आई थिंक 120 या 350 कुछ इस तरह से होती है उसकी इंटरनल स्टोरेज रोम, एंड लेकिन उसका जो प्रोसेसर है वो कमाल का होता है, इसलिए कोई भी आपका जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत ही अच्छा चलता है, और उसके जो बेस्ट है वो है फाइनल कट प्रो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब से अगर आप लैपटॉप खरीदने जाओ तो आप ज़रूर लैपटॉप खोलने के बाद वो सारे कुछ चेक करके, कीबोर्ड माउस चेक करके आप उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेना क्या है, और ये कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। अच्छा होगा विंडोज़ 8.1 या फिर विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हो। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेज हिंदी यूट्यूब चैनल।